जन औषधि को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी है, साथ में जेपी नड्डा ने भी रखी। मेरे साथ कई सारी महिलाएं हैं इस इलाके की, उनसे पूछते हैं प्रधानमंत्री के संदेश को किस तरह ले रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री के संदेश को हमें जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। ये ऐसी योजना है जो आम जन के लिए है, बिल्कुल गरीब लोग जो इतनी महंगी दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जन औषधि के माध्यम से उनकी मतलब आधे में 1/4 में वो जरूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम सभी हैं, कहीं ना कहीं किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सबको है। तो इतनी बड़ी अगर सहायता मिलती है हमें अपने जीवन रेगुलर लाइफ में जीने के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगी। कोरोना को लेकर खुद डॉक्टर ना बने जबकि सही जानकारी रखें, क्योंकि सही जानकारी ही इसका इलाज है। क्या आपको लगता है कि लोग खुद डॉक्टर? असल में हमारे यहाँ भारत में होता यही है कि हर आदमी अपने आप में डॉक्टर बनता है, और जबकि अगर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी अगर फैलती है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आवश्यक जो उसके बारे में सूचना है वो हमारे पास होनी चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो अच्छा ये है कि जब तक हमें उचित जानकारी ना हो हम अपने पास से कोई भी बातें ना फैलाएं और सही जानकारी के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करें। और उसी आधार पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि हमें जब तक जानकारी पूरी ना हो, आधी अधूरी बातों के अकॉर्डिंग हमें बातें ना फैलाएं, क्योंकि इस कोरोना जो है कोई डर नहीं है, कोई चिंता का विषय भी नहीं है। अगर हम लोग अपने आप में अगर आत्मविश्वास रखते हैं और सही तरीके से चलते हैं तो हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको बताइए, आप बताइए। ऐसा है कि कोरोना जो वायरस हो इसके बारे में इतनी चर्चा ही हो रही है, हमारा आयुर्वेद और हमारा जो होम्योपैथिक है सबसे बड़ी दवा है। आयुर्वेद में बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम भूलते जा रहे हैं मगर अब उससे हम जुड़ते जा रहे हैं। नड्डा साहब ने आज यहाँ पर आए, आपको लगता है कि उससे मास लोगों में ज्यादा अपील गई है एक तरह से? नहीं, लोगों में अपील तो गई है बट हम योग के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ इसलिए कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम अपना के हम लोगों में योग का प्रसार करके हम अनेक बीमारियों से लड़ सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र के साथ साथ जिस तरह से कोरोना को लेकर भी अपनी बात रखी है, उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश तो ये जाएगा ही कि उसको लेकर सही जानकारी जुटाई जाए और सही जानकारी पर ही आगे बढ़ा जाए। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।